नुआ दिल्ली रे विश्व प्रसिद्ध लवकुश रामलीला आयोजन करा जाय छे एवं सेठारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित अछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित अछंती उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मध्ये उपस्थित अछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मध्ये उपस्थित अछंती वरिष्ठ नेतृवृंद उपस्थित अछंती आसंत सीधा सळख जिबा पुनि थारे सेठाकु सब लोग कृपया करके अपनी जगहों पे बैठ जाए अभी रावण के पुतलों का दहन होगा सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं हरी जी पीछे आ जाएं अबे आठ हो गया भाई वो कौन है देखी विकास भाई जी कह रहे हैं पुतलों का दहन रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन प्रारंभ होने जा रहा है आज बुराई को समाप्त करके हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से इस देश में से भ्रष्टाचार समाप्त हो इस देश में से बुराइयां समाप्त हो इसीलिए विजय पर्व हर वर्ष ये रामलीलाएं मनाती हैं रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन प्रारंभ होगा और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम इसके पश्चात भी लीला का चलेगा रात्रि सियावती रामचंद्र की अब मैं आग्रह करूंगा श्री केस गोविंदी जी से कि वो आए और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी को एक तलवार भेंट करें श्री महानंद जी माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को एक गदा भेंट करेंगे श्री राकेश गुप्ता जी एक गदा माननीय श्री विजय गोयल जी को भेंट करेंगे श्री धीरेधर जी गुप्ता हम सबकी ओर से एक गदा माननीय मनोज तिवारी जी को प्रस्तुत करेंगे ये सभी शस्त्र शक्ति का रूप है बड़े सियापति रामचंद्र महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की आज विजयदशमी का पर्व है और बुराई को हम समाप्त कर रहे हैं अच्छाई की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं इस देश में राम राज्य कायम हो इस ओर प्रयास परम आदरणीय अमित शाह जी का मोदी जी का
इस ओर प्रयास है और सभी के चेहरों पर खुशी हो। बोलिए सेनापति रामचंद्र की जय, बोलिए लाडले लखनलाल की जय, माता सीता की, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସୁଭାଷ ପାର୍କରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଏବଂ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ, ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ମା' ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ। ମା' ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେତିକି ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାରୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ଜୟର ଏହି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ